हमारी बातें आपकी यादें कार्यक्रम में निकिता बटोला का नमस्कार। मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड में पहली बार एक ऐसा मेगा धारावाहिक जिसमें हम परिचय कराएंगे ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज की प्रतिभा से हमारे कार्यक्रम हमारी बातें आपकी आगे। आज हमारे बीच हैं सबसे चर्चित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और इस धारावाहिक के जन्मदाता। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारे बीच है एक ऐसी शख्सियत जिसने उत्तराखंड में सबसे पहली बार ऐसे धारावाहिक का निर्माण किया है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे महेश प्रकाश जी का कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे आपके कार्यक्रम हमारी बातें आपकी यादें में आए। धन्यवाद। आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में कैसे सोचा? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे सीरियल को सराहाया। और इसके साथ साथ ही मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, अपने मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आज हमारा इस धारावाहिक को यहाँ पहुँचाया। और सबसे ज़्यादा मैं निक्की का धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो है इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए मेरा जो है इन्विटेशन स्वीकार किया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे होस्ट के लिए, मतलब मुझे चुना, इतनी कम उम्र में मुझे ये सम्मान दिया और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे होस्ट चुना। निकी, ऐसा नहीं है, मैं शायद आपकी उम्र से भी कम रहूँगा। जब मैंने निर्देशन करना शुरू किया और इस क्षेत्र में मैं आया तो बहुत तजुर्बा हो गया है समझने का। शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उसी के कंधों पे भार डालता हूँ जिसको मुझे उम्मीद है कि ये इसको सह लेगा। मैंने आपको टैलेंट को देखा, समझा, उसके बाद ही मैंने शायद ये है कि कुछ ही घंटों में ये डिसीजन लिया कि इसको आप जो है होस्ट करें। और शायद परफॉर्मेंस आपकी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और इस लायक समझा कि मैं इस कार्यभार को संभाल पाऊँगी। तो मेरी छोटी सी कोशिश थी इसको संभालने की, अगर कहीं पे त्रुटि रही हो तो मैं ऑन स्क्रीन आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरे से नहीं, अगर आपकी कोई, मैं अपने दर्शकों से मांगना चाहूँगी, बिल्कुल मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे या हमारी पूरी टेक्निकल टीम या किसी से भी कहीं पर भी कोई त्रुटि अगर आप लोगों को लगी हो तो मैं उसके लिए सर झुका कर आपसे क्षमा कहती हूँ, तो मुझे माफ़ करें। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, लोग ज़्यादा करके फिल्मों की तरफ इस दौर में चल रहे हैं, एल्बम्स की तरफ इस दौर में चल रहे हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा रिस्क लिया उत्तराखंड में कि आपने इस तरह के बारे में सोचा और हमारे शायद ऐसे कलाकार, ऐसी प्रतिभाओं को इस प्रोग्राम में आपने लाके खड़ा कर दिया जो कुछ लोगों को तो जाना जाता था लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं छुपे थे, जो कहीं ना कहीं कभी जनता के समक्ष आ ही नहीं पाए। उन्होंने बहुत सा सहयोग दिया हमारे उत्तराखंड में लेकिन कभी वो इस समक्ष आ ही नहीं पाए, तो आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? इस धारावाहिक के बारे में क्या सोचा इसी के लिए नहीं जी। मैं हमेशा नया करता हूँ और हर चीज़ में मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इतने समय से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ तो मुझे कुछ हटके करना है जी। शुरू से ही आदत है, जब थिएटर से था तो SRC में जब मैं एक दिन गया तो वहाँ पे लगा रहता था बोर्ड, ना श्रीराम सेंटर में बोर्ड लगा रहता है कि ये नाटक होंगे और इसके निर्देशक है। उसी दिन दिमाग में आया कि इस बोर्ड में जो है मेरा नाम एज अ निर्देशक आना चाहिए। टीम इकट्ठा करी, ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद एक प्ले बोला दोस्त को, राइटर था, अच्छा लिखता था, उसने प्ले लिखा और उसको हमने पैसे वैसे इकट्ठे करे, हॉल बुक करा, कर दिया। उसके बाद मंगतू बोला रोथान जी, नरेंद्र रोथान जी का, वो एक दिन मेरे घर आए, कहते फिल्म बनानी है और हमारी कहानी पे काम चल रहा है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा रोथान जी एक प्ले है मंगतू बोला, तो मैंने कहा ये मैंने कर भी रखा है और इस पर आप ध्यान लगाओ। तो उन्होंने पढ़ा, उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि इसको फिल्मी रूप दे के करते हैं। अब वो करा और हिट हो गया, ये फिल्म बहुत हिट रही और इनफैक्ट इसमें जिसने भी काम करा सभी किरदारों को बहुत सराहा गया लेकिन खास तौर से आपके किरदार को बहुत ज़्यादा, आपका किरदार जो था बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। उसमें एक्चुअली एक प्लस पॉइंट ये था कि एक तो मैंने प्ले कर रखा था और दूसरा ये था कि लीड करेक्टर था तो मेरे को उस पर बहुत ध्यान देना, जो लीड करेक्टर होता है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा भार होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी फिल्म को लेकर के चलने की, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बखूबी निभाई। और आज भी अगर हम सबसे पूछते हैं तो सबसे मंगतू वालिया, हाँ सबके जुबान पे हाँ हमने देख, मतलब एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला मंगतू वालिया जो करेक्टर था वो लड़का सच में पागल है,
ऐसे ऐसे बोला कि सच में पागल है क्या? तो मतलब आपने उस किरदार को इतना जीवंत जिया कि उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन आपने बखूबी उस किरदार को निभाया। तो मैं क्या है कि जिनके घर में रहता था, जिनके यहाँ खाता था, जब मैंने मेकअप दिया, गेटअप दिया, तो मैं उन्हीं की तरफ गया तो वही डर गए थे। फिर फिल्में की, प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी किए, एक्ट भी किए, तो उसका एक रिकॉर्ड बनाना था, जैसे कि जो हमारा सब्जेक्ट चल ही रहा था जिस पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ इसको कैसे सोचा। तो फिर मैंने फिल्में बनानी शुरू करी और इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो है निर्माता, निर्देशक, अभिनेता के उसमें भी एक रिकॉर्ड मैंने बनाया, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड बनाने हैं। शुरुआत से आपने कुछ अलग हटके हटके करना मुझे करने हैं, रिकॉर्ड बनाने, मैंने उत्तराखंड के लिए रिकॉर्ड बनाने। फिर मैंने जो है एक ये रिकॉर्ड तोड़ा। फिर एक फिल्म मैंने बनाई थी देवदास के ऊपर, प्रेम, उसका बनाने का मेरा कोई मोटो नहीं था। लोगों ने मेरे से कहा भी कि ये हिंदी रूपांतर है और प्रेम जैसी फिल्म जो है गढ़वाल के लिए बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसका कि मेरे को उस उत्तराखंड में उसका रिकॉर्ड बनाना था, क्योंकि वो इतनी भाषाओं में बन चुकी थी और मैं उत्तराखंड का नाम जो है उसमें दर्ज कराना चाहता था कि अगर कभी देवदास का जिक्र होगा तो उसमें ये भी जिक्र होगा कि उत्तराखंड में भी ये जो है लैंग्वेज में ये फिल्म बनी। उसके बाद ये देखा कि उत्तराखंड दूरदर्शन का जो एक चैनल स्टार्ट हुआ है और शायद एक दो घंटे उन्होंने उत्तराखंड को दे रखे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में धारावाहिक इन्वाइट किए हुए। तो फिर दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं जो है एक मेगा सीरियल बनाऊँ, सबसे पहला सीरियल ऐसा बनाऊँ कि जो उत्तराखंड दूरदर्शन का मेगा सीरियल बन जाए, तो वो भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए फिर मैंने ये सोचा और बनाता, बड़ा बनाता, बहुत बड़ा बनाता, लेकिन उसका रीज़न ये है कि ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है और स्पॉन्सर्ड समय मिलते हैं नहीं मिलते, तो फिर ये डिसीज़न लिया कि एक टॉक शो टाइप का रखते हैं और उसमें जो है एक तो जो भावना जुड़ी है उत्तराखंड के लिए, एक तो वो बाहर आ जाएगी, जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनका इंटरव्यू टाइप रखते हैं, फिल्म हस्तियों का रखते हैं, तो इस तरह से एक सोच था कि हमें पता है कि अपनी मेहनत करके सब लोग यहाँ पहुँचे, तो मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में उत्तराखंड के लोग सुने, समझें, प्रेरणा लें और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिल में है, दिल में यह है कि उत्तराखंड बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, बहुत सारे हैं लेकिन उसको एजुकेटेड होना चाहिए और बहुत रिच होना चाहिए। उस पर तो हम बहुत रिच हैं, हम कल्चर में बहुत रिच हैं, नेचर में बहुत रिच हैं, लेकिन रिचनेस चाहिए। तो महेश जी, हम आपसे इतनी सारी बातें हमने जानी, इस कार्यक्रम के बारे में जाना कि आपने आखिर किस तरह से शुरुआत करी, तो क्या सोच है इसके पीछे? आपने बताया बखूबी, आपके सोच की भी हम दाद देते हैं कि आपने ऐसा सोचा, और ऐसे ही अगर हमारे उत्तराखंड के सभी वासी सोचने लगेंगे तो बिल्कुल हमारा उत्तराखंड कहीं पे भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहला हमारा सवाल जैसे कि रीति रही है, हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कब, कहाँ हुआ और अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ और शायद उसके बाद जब भी मेरे को गांव ले गए होंगे, वो उस समय तो मुझे ध्यान नहीं कि वो 3 महीने बाद लगे, 6 महीने बाद लगे। फिर मैं 11 साल तक गांव में रहा, जो आज मेरी पकड़ है भाषा के ऊपर, गढ़वाल के ऊपर, तो वो शायद वही रीज़न है कि मैं बचपन में 11 साल वहाँ काटे और 5वीं के बाद मैं यहाँ आ गया, फिर दिल्ली में ही बस गया और इस समय मैं आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज में मेरा निवास है। 16-17 साल की उम्र से इस क्षेत्र की तरफ आप आ गए, तो उत्तराखंड के लिए आपका ये प्यार प्रेम तो हमें आज भी दिख ही रहा है कि जो आप करना चाह रहे हो, हमेशा कुछ नया, आप हटके कुछ करते हो। आज आप इस मुकाम पे हो कि आपकी एक पहचान है, आप एक चर्चित डायरेक्टरों में से एक हैं और आज की तारीख में शायद कोई ऐसा कलाकार या कोई ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत नहीं होगी जो आपके संग जुड़ना ना चाहे, तब वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छा जब मुझे लगता है, सबसे अच्छा लगता है मुझे कैलाश द्विवेदी जी के साथ युगांतर, कि शुरू में मैं उनके साथ जुड़ा, 14-15 साल का था जब मैंने इनके साथ जो है बहुत छोटे छोटे जो है करेक्टर्स इनके नाटकों में किए और आज मैं उनकी फिल्में डायरेक्ट करता हूँ। क्या तो बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी वो है और मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। और जितने भी जिनकी भी मैंने फिल्में करी है, जिन बैनरों की करी है, रामल की करी है, आर्ट फोलियो की करी है, निर्मल फिल्म्स की करी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये फिल्में डायरेक्ट करने का मौका मिला। और एक लिमिटेड आर्टिस्ट होते हैं, लिमिटेड टेक्नीशियंस होते हैं, मैं सबको साथ लेके नहीं चल सकता जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और उनको मौका नहीं मिला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं करता रहा और मौका मिला तो मैं उनको अपने साथ जो है जोड़ के चलूँगा और उनको जो है कोशिश करूँगा कि उनको मौका मिले।
चलिए, मेरी भी एक इच्छा थी आपके संग काम करने की क्योंकि आप इतने चर्चित निर्देशक हैं, तो और मुझे इतने बड़े स्टेज पे काम करने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं भी आपका थैंक्स कहूँगी। ऐसी घटना जो आपको याद आती हो, आपका कोई दुखद पल जिसको कहें, ऐसा कोई पल आपके साथ गुजरा हो? दुखद पल तो बहुत सारे रहे। फादर के टाइम का था जब फादर एक्सपायर हुए थे, और स्ट्रगल टाइम के तो बहुत सारे दुखद पल होते हैं, तो उसको कौन कौन से मैं आपके साथ शेयर करूं? बिल्कुल, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हाँ, चलिए, यादें भी बहुत सी हो गई हैं हमारी, तो देखते हैं पहले आपकी कुछ क्लिपिंग्स। भगवान तो सभी की जन्मदाता चाहिए, गलती तो तिल का तिल जो सभी तो एक ही जन रंग रूप नहीं दिया। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी महान हस्तियों का मैं रंजना बख्शी रॉकविल म्यूजिक कंपनी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कमीने, साली धोखेबाज, लिखुनी धोखेबाज बनी छे, हैं? चल दफा हो जा। आपके जो बच्चे हैं वो भी क्षेत्र में आएंगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी सोच है, तो उनकी सोच कैसे होती है मैं कह नहीं सकता। बेटा बड़ा इंटरेस्ट लेता है, बिटिया भी बेसिकली क्या है कि डांस बहुत अच्छा करती है, अच्छी डांसर भी, अच्छी एक्ट्रेस भी, तो मौका उसको ज़रूर दूंगा अपने साथ। मतलब बाउंडेशन नहीं है मेरी उनके लिए, और चॉइस भी नहीं है कि वो इधर को आए, उनका ओपन फील्ड है, वो जिधर को जाएगी। महेश जी, आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी तक हमने बहुत सारे लोगों के, मैंने सभी प्रतिभाओं के संदेश लिए, आप हमारी जनता को और क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना प्यार बनाए रखें, और हम जो मीडिया में करते हैं, एक चीज़ मैंने देखी है कि कहते हैं कल्चर और इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते, तो मेरी जो है दर्शकों से एक ही प्रार्थना है कि फिल्मों को, एल्बम्स को सिर्फ एक मनोरंजन के तरीके से देखें, कल्चर हम बना के रखते हैं, संस्कार होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए। हम चाहे फिल्में कैसी भी बना दें, कोई हमारे घर पे आए और देखे कि हम अपने परिवार में जो हमारा मेन संस्कार है माता पिता की सेवा करने में, अगर उनको कहीं भी सुनाई देता है कि ये तो ये ऐसे करते हैं और इनके घर में संस्कार नहीं है, तो तब हम कहते हैं कि हम अपने कल्चर को मेंटेन नहीं कर रहे या उसको नहीं कर रहे, हम अपने संस्कारों के साथ ही चलते हैं, उसको सिर्फ एक मनोरंजन, जैसे हम घर पे भी देखते हैं, अब हम दिल्ली रह रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं कि कल्चर, तो मैं ये कहता हूँ सास भी को भी बहुत ही क्यों देखते हो, वो उत्तराखंड को देखने नहीं चाहिए, ऐसा हमारे कल्चर में नहीं होता, होता ही नहीं। सास बहू में तीन तीन शादी हो गई, चार चार शादी हो गई, लेकिन वो क्यों देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको सिर्फ वही धार्मिक प्रोजेक्ट देखने चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट ही नहीं देखने चाहिए, लेकिन देखते हैं तो क्यों, क्योंकि ये सिर्फ वो मनोरंजन के तौर पे देख रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि अपने सास से अलग जा रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं जी, पति को कह रहे हैं कि अलग हो जाओ, नहीं, हमारे ये संस्कारों में नहीं है, तो हमारे मीडिया को भी सिर्फ एक इंटरटेन के तरीके से देखें, उसको कल्चर से ना जोड़ें, कल्चर से जोड़ेंगे तो नेचुरल है कि वो ख़राब हो, जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कल्चर को भी ध्यान में रखा जाएगा। मंग तो बोलिया थी उसको उसी कल्चर में रखा गया था, इकलास थी उसको उसी कल्चर पर रखा गया था, संकल्प है तो वो चेंज थी तो उसको चेंज करना हमें पड़ा, है ना, तो एक फिल्मी रूप तो हमें देना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसको एक कल्चर के तरीके से ना करके एक मनोरंजन के तरीके से देखें, और इसके साथ ही मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, निकिता का धन्यवाद करता हूँ, और अपनी पूरी टेक्नीशियन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस धारावाहिक को इतना अच्छा बनाया, और अगर आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा तो अगले धारावाहिक के लिए फिर बैठेंगे और शुरू करेंगे। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी बातें आपकी यादें।